अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बनाएंगे बटर चिकन, और एकदम इजी और झटपट बन जाने वाला जो ये रेसिपी है मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो है ना बोनलेस चिकन लिया है। इस तरीके के इसके छोटे छोटे क्यूब्स कटे हुए हैं, ये देख सकते हो, ये बोनलेस चिकन है। आप चाहे तो बोन वाला भी ले सकते हो, हड्डी वाला जैसे कि जो होता है। तो अभी मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, और मैं इसी के साथ में इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन, आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन ऐड कीजिए इसके अंदर, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमें दही वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी बनाना है, एकदम झटपट से ये बन जाएगा। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, चिकन को पकने थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं इसे मसाले के साथ नहीं पकाऊँगी। अभी मैंने ये कुकर लिया है और कुकर के अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। आप अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप कढ़ाई में भी इसे पका सकते हैं, वैसे चिकन कढ़ाई में भी बन जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए। और ये देखिए, मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, और बस अब ये पानी ऐड करके इसके मैं कम से कम 2 सीटी ले लूँगी। तो तभी कुकर बंद कर रही हूँ मैं, और इसको रख देंगे गैस के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर मैं गैस के ऊपर इसे रख रही हूँ, और इसकी 2 सीटी आने देंगे, और 2 सीटी आएंगी वहाँ तक के चिकन जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि गल जाएगा। बस अब ये गैस मैं यहाँ पर चालू कर दी हूँ, और मैंने रख दी हूँ यहाँ पर इसको गलने के लिए। और हमें ग्रेवी के लिए क्या चाहिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लिया है एक टमाटर, और एक छोटी प्याज और एक बड़ी प्याज ली है, और मैंने लिए यहाँ पर काजू, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच ली है, लौंग ली है 4 से 5, काली मिरी, और ये बटर लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, और यहाँ साथ ही में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। और अभी पहले तो मैं इन्हें कट कर लेती हूँ, तो मैंने ये सब ना कट कर लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब तेल, और मैंने इसमें तेल डाल दिया है। और अभी इस तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी, और हमें इसको अच्छे से भूनना है प्याज को, हमें ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट पिंक कलर इसके अंदर आ जाए, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो बस अब इस तरीके से मैं इसे पका लूँगी। ये देखिए, ये ऐसे ही इसको, और इसके जो पीस है इसे चम्मच की मदद से तोड़ ले, बराबर इसे छोटे छोटे कर ले। वैसे तो हमें इसको पीसना ही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बड़े पीस ना करें, ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं वही सही पीस आप अगर करके इसे भूनोगे तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पर मैं काजू ऐड कर रही हूँ, तो ये अगर अक्खा साबुत काजू देखोगे तो ये 10 से 15 है, और ये मेरे पास टुकड़ा काजू है, तो मैं हमेशा ग्रेवी में जो है ना टुकड़ा ही काजू यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, अब इसे अच्छे से भून लेना है, अच्छे से चला कर, ताकि जो काजू है वो भी सॉफ्ट हो जाए। और ये देख सकते हो, ये अच्छे से सब चीज़ें जो है वो पक गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होकर मुझे इसको पीस लेना है। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ प्लेट में निकाल दिया है, ये अभी काफ़ी गर्म है तो इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने दही भी लिया है, तो ये ग्रेवी में हमने ना दही भी ऐड करना है। अगर आपको चिकन को मैरिनेट करके पहले रखना है तो आप ना दही, अदरक लहसुन और नमक के साथ इसे मैरिनेट करके रख सकते हो, तो मैंने बताया। और ये मैंने कसूरी मेथी ली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं झटपट से बना रही हूँ, तो ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये देखिए, कसूरी मेथी मैंने ले ली है, और ये जो मसाला था ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे पीस लिया। ये देखिए, इस तरीके का हमको एक फ़ाइन पेस्ट चाहिए। ये देखिए, तब ये मैंने यहाँ पर ये ले लिया, और चिकन को देख लेते चिकन का क्या हाल हुआ है। तो ऑलमोस्ट चिकन भी रेडी है, ये गल चुका है, तो ये देखिए, ये अच्छे से इसका पानी फेंकेंगे नहीं, ये पानी हमें ग्रेवी में यूज़ कर लेना है। तभी मैं आपको चम्मच से, काफ़ी गर्म है, मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ चम्मच से। तो जो चिकन है ना वो सॉफ्ट हो चुका है एकदम, तो ये देख सकते हो ये इजीली टूट रहा है ना। तो चलो आगे की तैयारी करते। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली है, और एक कढ़ाई वही है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था अभी, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल ले रही हूँ, ये देख सकते हो। और इसके अंदर ऐड कर देंगे बटर, तो बटर करीब मैं यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच जो है वो बटर ऐड किया है मैंने। तो देखिए, तो बटर मैंने डाल दिया इसके अंदर, जैसे ही बटर मेल्ट होने लगेगा तो मैं इसके अंदर सब मसाले ऐड कर दूँगी। अभी बटर मेल्ट हो गया है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी तेज़पत्ता। तो देखिए, मैंने तेज़पत्ता लिया है, एक बड़ा वाला तेज़पत्ता था तो मैंने 2 पीस में से तोड़ लिया है, लौंग, काली मिरी और दालचीनी भी ऐड कर देंगे इसके साथ। अगर आपके पास छोटी इलायची है तो वो भी ऐड कर सकते हो।
और बस इसे अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही ये भून जाएगा इसके अंदर मैं मसाला ऐड कर दूँगी, तो ये देख सकते हो। और इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि जो बटर है वो जलता है और वो जलने के बाद उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आएगा, तो आप बटर को जलने ना दें, उससे पहले ही आप इसमें मसाला जो भी है वो ऐड कर लें। बस अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, और एक इसके अंदर तीखी मिर्ची भी है और कश्मीरी मिर्ची, जैसे कि मैंने एक चम्मच ये ली है कश्मीरी मिर्च और एक चम्मच इसके अंदर ऐड की हूँ तीखी वाली, तो ये दोनों मिर्ची मैंने मिक्स करके ली हूँ। तो देखिए अभी पकने के बाद ना ये बहुत ही अच्छा रेड कलर छोड़ेगी। और अभी थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी डालेंगे, तो जिस जार में मैंने मसाला पीसा था तो मैंने इसके अंदर पानी उसी जार में मिलाकर पानी इसमें ऐड कर दिया है, और इसे कुछ देर ना ढककर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो तेल है वो साइड पर आ जाए और मसाला जो है काजू ये इसके अंदर वो अच्छे से और पक जाए। तो इसको पकने देर नहीं लगेगी क्योंकि हमने भून कर डाला है, तो बस फटाफट से ये हो जाएगा। 5 से 4 मिनट हमें इसे पका लेना है, तो मैं इसे ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो ये देखिए आप जैसे इस तरीके से पकने दे, और बस ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए इसमें कलर भी देख सकते हो आप लोग, और इसके अंदर जो तेल जो है वो भी तेल देखिए साइड में आ गया है, तो इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। और इस ये बटर में ही बनता है, आप अगर चाहो तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा तेल डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही, तो मसाला जो है वो थोड़ा पक चुका है, तो अभी दही भी थोड़ी इसके अंदर ऐड कर देंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ में ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन, तो देखिए दही को थोड़ा अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए मैंने चिकन भी डाल दिया है, पानी के साथ ही हमको चिकन डाल देना है इसके अंदर, ताकि जो मसाले में थोड़ी बहुत कसर है वो इस पानी के साथ पक जाएगी। और आपको ग्रेवी जितनी थिक रखनी है तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। अगर थिकनेस वाली चाहिए तो ये पानी पूरा सुखा ले, और अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हो। तो अभी और मैं 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको ढक के पका लूँगी ताकि पानी थोड़ा सूख जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखा दूँ, तो ये लीजिए देखिए। और इसके अंदर ना मैंने कसूरी मेथी और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, और बस अब इसी के साथ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए भाई हमारी ग्रेवी रेडी है। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बस अब ये जो है ना बटर चिकन जो है हमारी वो रेडी है, और ये देख सकते हो कितनी क्रीमी, और उसकी ग्रेवी भी कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है। तो मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, अब इस प्लेट के अंदर तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है निकल कर, जो हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है और जो मसाले इसमें हमने ऐड किए हैं, तो बहुत ही अच्छी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में ये ग्रेवी मेरी बनकर रेडी हुई है। तो आप लोग के पास भी अगर टाइम ना हो तो इस तरीके की झटपट ग्रेवी आप बना सकते हो, क्योंकि चिकन को पकने के लिए टाइम लगता है थोड़ा। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने इसे डिनर के लिए बनाना था मुझे, और मुझे बहुत देर हो गई थी, तो मैंने फटाफट से ये रेडी कर ली है। तो ये देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बटर ऐड कर देंगे। ये देखिए तो मैंने इसके ऊपर ये बटर रख दिया है, गरम गरम ग्रेवी। आप इसे रोटी से खाए, नान से खाए, चावल से खाए। और ये ऊपर से मैं थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ, फ्रेश क्रीम जो मेरे पास थी, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बस, तो ये हमारी बटर चिकन जो है वो झटपट से रेडी हो चुकी है। और आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।